Hello students, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. तो पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो बात की थी कि क्या प्लांट और एनिमल दोनों की जो टिश्यू होते हैं वो क्या सेम होते हैं, और उससे भी पहले हमने बात की थी टिश्यू के बारे में. टिश्यू की हमने डिफिनेशन देखी, क्या टिश्यू क्या होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी. तो आज हम जो बात करेंगे वो आपका है प्लांट टिश्यू. तो हमने कहा था कि दो हमें टिश्यू के बारे में पढ़ना है, एक आपका एनिमल टिश्यू होगा और एक प्लांट टिश्यू होगा. तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर प्लांट टिश्यू है क्या. तो प्लांट टिश्यू बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा. इसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं जो आपकी ना समझ में आए. तो सब कुछ इजी है, आराम से आप पढ़ें, टिश्यू को समझें, टिश्यू टाइप्स ऑफ टिश्यू को समझें, ये सारी चीज़ें. ओके, तो मैं बताने जा रहा हूँ प्लांट टिश्यू के बारे में. प्लांट टिश्यू जो होते हैं ये थोड़ा से अलग होते हैं, और कल या पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया था उसमें क्या था कि प्लांट टिश्यू जो होते हैं इसमें कुछ चीज़ें, जैसे कि प्लांट टिश्यू जो होते हैं ये ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते, बिकॉज दे आर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड. अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्लांट टिश्यू, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में, तो हम आपकी जो एनसीईआरटी है उसने प्लांट जो टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू हैं उसने उसे डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीज़न, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवीज़न, द एबिलिटी ऑफ डिवीज़न. तो उन्होंने जो प्लांट टिश्यू को जो डिवाइड किया गया है वो उनके डिवीज़न के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डिवीजन. तो इसे प्लांट के जो सेल होती है उनके डिवीज़न या टिश्यू के जो डिवाइड करने की जो एबिलिटी या कैपेसिटी होती है उनके बेस पे इनको क्या किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट, इसमें जो फर्स्ट टाइप के जो टिश्यू होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट टाइप के जो आपके टिश्यू होते हैं वो होते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हम आज मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे. तो एक चीज़ आप समझ लें कि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा आसान साइंस है नहीं. आपको कभी कभी एग्ज़ाम में नंबर मिल जाते होंगे क्योंकि आप ज़्यादा लिख देते होंगे तो इसलिए नंबर मिले, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आपका पढ़ने का मतलब कुछ नहीं निकलता. तो आप अच्छे से इससे पढ़ें और इसका सही आंसर दें. जब आप इसका सही आंसर लिखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने जो आंसर राइट किया या फिर जो मैंने मुझे जो मार्क्स मिले हैं, ज़्यादा मार्क्स मिले या जो कम मार्क्स मिले हैं, मैं उन मार्क्स को डिज़र्व करता था. अदरवाइज़ आप गलत लिखे हैं, आपको नंबर मिल गया, तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं. हम कॉलेज या स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, ना कि सिर्फ नंबर के लिए. तो हम मार्क्स के चक्कर में ना पढ़ के नॉलेज के चक्कर में पढ़ें, ऑफकोर्स मार्क्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो सबसे मेन, आप स्कूल इसीलिए जाते हैं ताकि आपको नॉलेज मिले, ना कि मार्क्स. तो मार्क्स के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ें प्लीज़. तो मैंने पहली चीज़ क्या बताई, मेरिस्टमेटिक. तो मेरिस्टमेटिक जो होते हैं, एक तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू हो गए, लेट मी राइट इट, एक तो हो गए आपके मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, सेकंड आपके हो जाएंगे परमानेंट टिश्यूज. सो यू हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ डिवीजन और एबिलिटी कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न. तो उनके एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न के बेस पे ये दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट आपका मेरिस्टमेटिक एंड सेकंड आपका आपका होता है परमानेंट टिश्यू. तो जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, तो मेरिस्टमेटिक, अच्छा पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं. जो मेरिस्टमेटिक होते हैं एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड लिया गया, तो मैंने शायद पहले बताया नहीं ग्रीक वर्ड को क्यों इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है. एक्चुअली ग्रीक एक एंशियंट लैंग्वेज थी जहाँ, और उस ये उस जगह ये लैंग्वेज उन फिलोसोफर की लैंग्वेज थी जिन्होंने साइंस को स्टार्ट किया, स्पेशली एरिस्टोटल, दैट इज़ नोन एज द, दैट मैन इज़ नोन एज द
फादर ऑफ बायोलॉजी, जो फादर ऑफ बायोलॉजी की जो लैंग्वेज थी वो ग्रीक थी, इसीलिए एक ट्रिब्यूट के तौर पे ज़्यादातर उसमें वर्ड जो डिराइव किए गए हैं वो ग्रीक के डिराइव किए हैं। तो इसमें जो टिश्यू का नाम जो दिया गया है वो ग्रीक लैंग्वेज में दिया गया और उसका नाम है मेरिस्टमेटिक। तो मेरिस्टमेटिक एक्चुअली ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका ये मेरिस्टोस वर्ड क्या है, मेरिस्टोस, एंड मेरिस्टोस मीन्स होता है डिविजिबल। ओके, इसका मतलब होता है डिविजिबल। तो ये कौन सी सेल होती है, ये कौन से टिश्यू होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है टू डिवाइड करने की। तो यहाँ पे मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइड करने वाले, और मेरिस्टमेटिक टिश्यू मीन्स दो सेल्स विच कैन डिवाइड। तो ये वर्ड दिया गया। तो ये मेरिस्टमेटिक जो टर्म सबसे पहले दिया गया, मेरिस्टमेटिक टर्म सबसे पहले दिया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था नागेली, और इन्होंने दिया 1858 में। इन्होंने 1858 में जो टर्म जो है मेरिस्टमेटिक जो टर्म दिया है सबसे सॉरी मेरिस्टमेटिक जो टर्म सबसे पहले दिया है वो नागेली ने दिया इन 1858। तो 1858 में ये टर्म दिया गया। ओके, अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जब ये टर्म दिया गया तो क्या मेरिस्टमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइड होते? तो ऐसा नहीं है, हम मेरिस्टमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइड नहीं होते। ये टिश्यू कुछ टाइम तक डिवाइड होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये अपनी एबिलिटी को खो देते हैं, डिवाइड करने की एबिलिटी को धीरे धीरे खो देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे कहूँ, जैसे एक रनर है, ठीक है ना, उसेन बोल्ट की तरह से स्टार्टिंग वो बहुत ही फास्ट करता है। ओके, स्टार्टिंग वो क्या करता है, बहुत ही फास्ट करता है, बहुत ही स्टार्ट अच्छा स्टार्ट लेता है, लेकिन आगे जाके धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती, जितना थक जाएगा कि लास्ट में रुक जाएगा और एक जगह जाके वो बैठ जाएगा। यही होता है कि पहले तो बहुत फास्ट लोग दौड़ते हैं, फिर धीरे धीरे आगे जाते 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 फिर क्या होता है लास्ट में कि वो जो सेल होती है वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है कि वो जाके उसको रुकना पड़ जाता है। तो यही चीज़ टिश्यू के केस में भी होता है। मेरिस्टमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो डिवाइड करते हैं, लेकिन जैसे इनका डिवीज़न आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है, तो एक टाइम आता है कि ये सेल थक के डिवीज़न करना बंद कर देती है, और जब ये डिवीज़न करना बंद कर देंगी तो इसी स्टेज को हम कहेंगे परमानेंट। और जब ये डिवीज़न करना बंद करती है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है उनका, स्ट्रक्चर का मतलब वो एक परमानेंट शेप ले लेती है। ये क्या करती है, एक परमानेंट साइज शेप एंड फंक्शन को बियर कर लेती है, और उसके बाद ये सारी चीजें यहां पे जाने के बाद रुक जाती है। मतलब इसी चीज को हम, जब कोई सेल या कोई स्ट्रक्चर परमानेंट साइज शेप एंड फंक्शन को बियर कर ले, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। इसी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो परमानेंट सेल जो होती है वो डिफरेंशिएशन करती है। तो आगे परमानेंट सेल होते क्या है, परमानेंट सेल यही मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं जो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, मतलब कि जो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। आफ्टर डिफरेंशिएशन दीज मेरिस्टमेटिक टिश्यू गोना बी चेंज इनटू परमानेंट टिश्यू। तो यही मेरिस्टमेटिक टिश्यू किस में चेंज हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू की जो डिफिनेशन है वो क्या हो सकती है। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोज टिश्यू, दोज प्लांट्स टिश्यू, दोज प्लांट टिश्यू विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड, ऐसे प्लांट टिश्यू जिनके पास एबिलिटी होती है क्या करने की, डिवीजन करने की एबिलिटी होती है, उनको हम एबिलिटी होती है उनको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहते हैं। चलो, अब इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो, क्योंकि मेरिस्टमेटिक टिश्यू है मींस ग्रुप ऑफ सेल, तो देज आर मेड अप ऑफ ऑफकोर्स सिंगल टाइप ऑफ सेल, और दे हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर तो सेम होगा,
जब सेम स्ट्रक्चर होगा तो आप देखते हैं इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं कि नहीं, तो हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब बात करते हैं। एक मिनट, पहले हम ये देख लेते हैं ये पाए कहाँ पे जाते हैं। तो जनरली ये कहाँ पे पाए जाते हैं, टिप ऑफ द प्लांट रूट, प्लांट्स रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इनके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर देते हैं। तो इनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम इनके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखते हैं। इन सेल के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, या इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी अगर हम देखेंगे, तो दीज आर मेटाबोलिकली वेरी एक्टिव, अब मेटाबोलिकली एक्टिव मीन्स इनमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, एनाबोलिक रिएक्शंस होते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शंस होते हैं, इनमें चीज़ों का फॉर्मेशन बहुत फास्ट होता है, इनमें इनका जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है वो फटाफट डिवाइड करता है। जब डिवीजन न्यूक्लिक एसिड डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियस का साइज जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो सेकेंड इसमें होगा दे हैव लार्ज न्यूक्लियस, जनरली दे हैव लार्ज न्यूक्लियस। तो फर्स्ट आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेकंड दे हैव लार्ज न्यूक्लियस, थर्ड, अब देखो जैसे ये लार्ज न्यूक्लियस इनमें होता है तो इनके पास जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना वो एक्चुअली डेंस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जैसे सेल के अंदर वैक्यूल्स, प्लांट सेल के अंदर जनरली वैक्यूल्स पाए जाते हैं काफी बड़े बड़े, समटाइम 50-90% सेल पार्ट गना बी कवर्ड बाई वैक्यूल्स, बट यहाँ पे वैक्यूल्स या तो बहुत छोटे होंगे या देर इज नो वैक्यूल्स। तो यहाँ पे वैक्यूल्स या तो नहीं होंगे या तो बहुत छोटे होंगे, सो लैकिंग लैक ऑफ वैक्यूल, हम यहाँ पे लिख देते हैं लैक ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब वो स्मॉल स्पेस जहाँ पे बाकी सेल सैप फिल्ड होता है उसके बारे में। तो ये लैक ऑफ वैक्यूल। नंबर फोर, डेंस, अब जब वहां पे वैक्यूल छोटा होगा तो साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, तो साइटोप्लाज्म का हो जाएगा डेंस साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इसको एक ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, सेल का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, नंबर फोर। नंबर फाइव, अब नंबर फाइव में इसमें क्या है, क्योंकि देखो सेल बार बार डिवाइड कर रही है, ये मेरिस्टमेटिक सेल में बार बार डिवीजन हो रहा है, तो मेरिस्टमेटिक सेल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सेल अपनी साइज को खूब बड़ा करे फिर उसके बाद डिवाइड करे। सेल का साइज अभी पूरा ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ तब तक सेल डिवाइड कर गई, मीन्स इनका साइज बड़ा ही नहीं होता। तो जो इनकी जो साइज होती है वो स्मॉल सेल साइज के होते हैं। ओके, और जब साइज इनकी स्मॉल होगी बार बार डिवीजन करेगा तो आपने देखा होगा कि सेल जो होती है ना ये इनके बीच में स्पेस कम होता है। मान लेते हैं ये एक सेल हो गई, ठीक, ये दूसरी सेल आपकी है, इनके बीच में जो गैप होता है उसको हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है बहुत ही नज़दीक नज़दीक, एक सेल ये है एक सेल ये है, तो उनके बीच में जो गैप होता है, अदरवाइज हम दूसरे टिश्यू को देखेंगे तो उनके बीच में गैप ज़्यादा है, बट यहाँ पे गैप बहुत ही कम है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, बहुत ही इनके बीच में कम होता है, इसलिए दे हैव लेस इंटरसेलुलर स्पेस, दे हैव लेस इंटरसेलुलर स्पेस। और चूंकि सेल बार बार डिवाइड कर रही है तो दे हैव थिन सेल वॉल, यू नो सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अगर सेलुलोज काफ़ी मोटा होगा या सेल वॉल काफ़ी थिक होगी तो डिवाइड नहीं करेगी सेल, जैसा कि परमानेंट सेल में होता है। वो सेल डिवाइड क्यों नहीं करती, बिकॉज उनकी जो आउटर लेयर होती है, जो सेल वॉल होती है, इतनी थिक हो जाती है कि उनके अंदर डिवीजन देखने को मिलता ही नहीं। तो अब जब उनके अंदर डिवीजन नहीं होगा तो फिर आपका परमानेंट सेल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यू के अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलो आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक चीज़ और, क्योंकि घर पे वीडियो बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बाहर से काफ़ी साउंड आता है, घर में कभी कभी बच्चों की आवाज़ आ जाती है, लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकते, आप जो मेरी कोचिंग है वहाँ पर मैं जाके आप वीडियो बना नहीं सकता, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आई होप कि आप लोग उतने थोड़ा से प्रॉब्लम को समझेंगे, और इस वीडियो को आप जहाँ तक समझे ठीक लगे आप इस चीज़ों को ठीक से पढ़ें, इनके नोट्स बनाएं, और जब बायो में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा ना
आप कहोगे कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। जैसे मुझे लगता है कि ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत सारा इंटरेस्ट है, बहुत सारी स्टोरीज है, जहाँ पे आपको मज़ा ही मज़ा आएगी, ठीक है ना। आप खूब इंजॉय करेंगे इस चीज़ को लेकर। चलो आप, आई होप कि आप लोग भी इस बायोलॉजी को इंजॉय करेंगे, और इन फ्यूचर जब आप क्लास 11th में जाएंगे या फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो आपके लिए ये बायोलॉजी इतनी आसान हो जाएगी कि आप क्लास में टॉप करेंगे। सो ट्राई टू डू योर बेस्ट एंड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड ऑन यू। एंड इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, प्लीज़ give a like on this video and subscribe my channel. Thank you so much.